ड्रग माफिया की साजिश या कीमतें बढ़ाने का बहाना, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की शहर में किल्लत, मसाइल में उलझे अहले लाहौर पर खतरे की नई तलवार लटक गई। मेडिकल स्टोर्स पर खून पतला करने वाली, दिल और मिर्गी की दवाओं की किल्लत, सांस हड्डियों और मैदे की दवाइयां भी नायाब, अहम अद्वियात में 10% इजाफे के इम्कान, महकमे सेहत की पुरअसरार खामोशी। शहर में पोलियो वायरस मौजूद, कौमी इदारा सेहत ने माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक कर दी। आउटफॉल रोड से 10 दिसंबर को लिए गए नमूने एक बार फिर मुस्बत आ गए। नई हुकूमत ने भी आवाम को पुराने मसाइल का सामना, गैस बंद, LPG महंगी और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहर में 4 से 5 घंटे तक की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। गैस की अदम दस्तयाबी पर शहरियों का सुई नॉर्दर्न गुलबर्ग ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज, गैस दो के नारे। गड़ी शाह के इलाके हबीबुल्ला रोड पर भी गैस लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों का मुजाहरा। सर्विस स्टेशन पर पानी के बेजा इस्तेमाल रोकने का मामला, वासा की तमाम मनसूबाबंदी बेसूद। अथॉरिटी अजलास के 45 दिन बाद भी मीटिंग मिनट्स जारी ना हो सके। सर्विस स्टेशन को कानूनी दायरा कार मिलाने के लिए कोई अमली इकदाम ना उठाए जा सके। लाहौर समेत पंजाब भर में 600 पानी की स्कीमें भी गैर फाल होने का इंकशाफ। नैबका LDA के करप्ट अफसरान और अहलकारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। कमर्शलाइजेशन फीस कीमत में खुर्द बुर्द की तहकीकात मुकम्मल। मुल्जिमान के खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी केस में भी अहम पेशरफ। कमर्शियल प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर रेफरेंस दायर करने का फैसला। नैब के रीजनल डायरेक्टर्स के इजलास में दोनों केसेस के रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में। खोखर ब्रादरान के नाम अराजी का इंतकाल ना निकलने पर खोखर पैलेस गिरा दिया जाएगा। LDA ने कानूनी जाब्ते पूरे करने के लिए DC ऑफिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मलकियत साबित ना होने पर खोखर पैलेस तजावजात तस्वर किया जाएगा। DC ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक आइंदा कार्रवाई का लाहे अमल तय किया जाएगा। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान केस में नेशनल बैंक भी मुतासरा फरीक निकला। अली इमरान ने कर्ज के एवज जायदाद और अली सेंटर की दुकानें और दफातर रहन रखे। बैंक के पास रहन रखी गई जायदाद डीफ्रीज की जाए, नेशनल बैंक की एहतसाब अदालत में दरखास्त। पंजाब असेंबली का इजलास, पैनल ऑफ चेयरमैन की सदारत पर अपोजिशन का हंगामा बना। नामजद किए पैनल ऑफ चेयरमैन कैसे सदारत कर सकता है, मलिक अहमद खान का एतराज। हुकूमत को इजलास की कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करने के लिए तहरीक लाना पड़ेगी। नौ मुंतखब रुकन मलिक असद खोखर ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल तक के लिए मुलतवी। अदालत ने भी कह दिया बिलावल मासूम हैं, असल फनकार आसिफ अली जरदारी हैं। PP रहनुमा लुडियां ऐसे डाल रहे हैं जैसे जरदारी और फरियाल को जन्नत का टिकट मिल गया। पैनमा केस के पहले फैसले पर नून लीग ने भी ऐसे ही लुडियां डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को 2 माह में रिपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के जश्न पर फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, कहते हैं बसंत मनाने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी एक मदारी गुड़गुड़ी बजा कर गया है। हसन मुर्तजा का जवाबी वार आज के फैसले ने साबित कर दिया अदलिया जमहूरियत के साथ है। JIT का कानूनी और इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहा। बिलावल ने बेनजीर भुट्टो का झंडा उठा रखा है। वाजिद ज़िया पीपल्स पार्टी का दुश्मन है, शेख रशीद हद में रहे, हमें भी जुबान इस्तेमाल करना आती है, मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म बादशाही मस्जिद के इमाम नहीं जो अपने नारे पूरे नहीं कर सकते। इमरान खान पाकिस्तान को रियासत-ए-मदीना बनाने का वादा पूरा करें। पैनमा लिस्ट में 436 अफराद को तलब करके उनका एहतसाब किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगु। कायम मुकाम स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्सेस और ड्यूटीज के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। IMF के शराइत ना मानने का भी मुतालबा। कासिम सूरी ने कहा, पहले हुक्मरानों ने मुल्क के लिए नहीं अपने लिए काम किया, अब ऐसा नहीं होगा। ताजर बिरादरी को एतमाद में लिए बगैर कोई इक्तसादी पॉलिसी नहीं बनेगी। कायम मुकाम स्पीकर कौमी असेंबली की अपनी अहलिया और बेटियों के हमरा मिजार इकबाल पर भी हाजिरी। रेंजर्स के दस्ते ने सलामी दी। मिजार पर फातह खानी मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। आइंदा 90 रोज में तालीम में नई तब्दीलियां आएंगी, सूबाई वजीर तालीम का दावा। डॉक्टर मुराद रास कहते हैं, स्कूल खुल चुके हैं, मेरे ट्वीट को गलत अंदाज में पेश किया गया। बजट में अभी किसी भी चीज पर कटौती नहीं की जा रही। प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा की बात सुनी जाएगी और मसाइल हल कराएंगे। कूड़े के खिलाफ जंग, लाहौर न्यूज के संग। लाहौर न्यूज के निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनियों के अफसरान ने शहर के चमकाने की ठान ली। जोड़े पुल के इलाके में 300 से जायद नए कूड़ेदान, 50 हैंड कार्ट्स और अमले में नए यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। चमड़ा मंडी में भी पड़ा हुआ कूड़ा उठा लिया गया। शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद बेहतर बना रहे हैं अजासम शरीफ। शहर को खूबसूरत बनाने में शहरी भी तआवुन करें, अफसरान की अपील। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज़ एक कदम और आगे। अगर गंदगी और तआफ़ुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज़ के इस नंबर पर जो है 0344-445-0192। हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे अरबाबे इख्तियार तक। तजावुजात करने वालों को कोई मुआफी नहीं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे की मंसूबाबंदी कर ली। तजावुजात की मद में उठाया गया सामान जब्त किया जाएगा और हर 15 रोज बाद नीलाम कर दिया जाएगा। जोनल की सतह पर ऑक्शन कमेटियां तश्कील। चीफ ऑफिसर ने कमेटियों की तश्कील के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नई गाड़ी वापस दो, पुरानी गाड़ी लो। डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की दो नई गाड़ियां अवामी नुमाइंदों को अलाट। 18 मॉडल की गाड़ियां वजीर आला पंजाब के स्पेशल असिस्टेंट्स को अलाट कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने डेप्टी कमिश्नर और एडिशनल डेप्टी कमिश्नर लाहौर से गाड़ियां वापस लेकर 14 मॉडल की दे दी। सरकारी अस्पतालों में मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के लिए बेड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर सेहत का ऐलान, इक़्तिसाद मुनशियात के लिए मुतल्लिका महकमों की टास्क फोर्स बनाई जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद मुनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम पर इजलास की सदारत की। ख्वातीन कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए अहम इकदाम। IG जेल खाना जात के दफ्तर में सरवर फाउंडेशन की जानिब से सिलाई मशीनें तकसीम करने की तकरीर। अदाकारा रीमा खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। बोली, जेलों का दौरा करने से एहसास हुआ, मुजरिम को नहीं उनके जुर्म को मारना चाहिए। पुलिस के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ UC चेयरमैन सरपा एहतजाज। UC 66 के चेयरमैन अवैस चीमा का SHO इस्लामपुरा पर चादर और चार दीवारी पामाल करने का इल्जाम। प्रेस क्लब में केबल ऑपरेटर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पुलिस ने मेरे घर में घुसकर तशद्दुद किया, मुझ पर झूठे मुकदमात दर्ज किए। आला अफसरान को भी दरख्वास्त, मगर वो भी पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सांधा के रहायशियों का भी पुलिस के खिलाफ मुजाहरा। प्रेस क्लब के बाहर शदीद नारेबाजी, झूठे मुकदमात खारिज करने का मुतालबा। शहर में चोर डाकू बेलगाम। सिराजपुरा में लाखों रुपए की डकैती। डाकुओं ने घर में घुसकर पहले अहले खाना को जरगामाल बनाया, फिर लूट मार की।
लियाकत अली के घर से 25 लाख रुपए नकदी, 11,000 दिरहम और 60 तोले तलाई जेवरात लूट कर ले गए। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। वकला रहनुमा सैयद अजीम सेठी ने चैम्बर के हमरा सदर के उम्मीदवार आसम चीमा और जनरल सेक्रेटरी के नशस्त पर मलिक अदील की हमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कंगाल प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी खेल के तरबियती कैंप में भांडा फोड़ दिया। एक एक कमरे में 15 खिलाड़ी रहने पर मजबूर, सोने के लिए बेड नहीं, फंड गायब। गलत फैसलों के नतीजे हमेशा भुगतना पड़ते हैं। हॉकी के लिए फंड नहीं है तो ये बदकिस्मती है। ओलंपियन नवीद आलम। इमरान खान के उस्ताद एचएसएन कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल जेफरी डिगल्स के आखिरी रसूमात गोरा कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। वज़ीर दिफा परवेज खटक, स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही समेत अहम शख्सियात के शिरकत। जेफरी ने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान में तालीम के लिए वक्फ की। परवेज खटक। हायर एजुकेशन कमीशन के जेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को 5-0 से शिकस्त दी। फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल 10 जनवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में होगा। और फने खताती उम्मत मुस्लिमा का कीमती असासा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फने खताती की सालाना नुमाइश का अहतमाम सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फ़याज़ुल हसन चौहान ने इफ्तिताह किया। 70 से ज़ायद आर्टिस्टों ने 200 से ज़ायद फनपारों की नुमाइश की।